सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस के थंबनेल होते हैं वो थोड़ा आपको कुछ अलग तरीके का दिखता है। उसका जो हिंदी टेक्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और वीडियो जो थंबनेल की क्वालिटी भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको थंबनेल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सीखा कैसे और इसी चीज़ पे मैं आपको लोग को जो है इस वीडियो पर आज बताऊंगा। दरअसल हुआ ये था कि दोस्तों, मेरे पास आईफोन है जैसा कि आप लोग पता है, तो मैंने आईफोन के लिए जो है एप्लीकेशन सर्च कर रहा था कि आईफोन पे थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो आईफोन के लिए मुझे वो एप्लीकेशन मिला और उसी एप्लीकेशन को जब मैंने प्ले स्टोर पर सर्च किया तो मैंने देखा कि एंड्रॉयड पर भी वो एप्लीकेशन अवेलेबल है। मतलब आज की वीडियो पर दोस्तों मैं बताऊँगा कि आप आईफोन पर और एंड्रॉयड पर दोनों पर कैसे जो है थंबनेल बना सकते हो। और आईफोन के लिए जो है किसी किसी को नहीं पता है, बहुत कोई आईफोन यूज करते हो तो आप लोगों को नहीं पता कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कि आईफोन पर आप कैसे जो है एक बेस्ट क्वालिटी के थंबनेल बना सकते हो, प्लस उसी एप्लीकेशन का आप अपने एंड्रॉइड फोन पर भी डाउनलोड करके इसी तरह का थंबनेल, सेम तरह का थंबनेल बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा जो है नॉलेजफुल वीडियो है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो पर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है एंड तक देखना और चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का नाम है फोंटो, PHONTO फोंटो, ठीक है। फोंटो एप्लीकेशन का नाम है। ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, आईफोन के एप्पल के ऐप स्टोर पे मिलेगा और एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर के सर्च करोगे मिल जाएगा फोंटो। अब फोंटो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद, इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की, आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे थंबनेल क्रिएट करते हैं वो अब मैं आपको बताऊँगा फोन के स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये है वो एप्लीकेशन जिसका नाम है फोंटो, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और ये मैं अपने आईफोन पे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये रहा, ये एप्लीकेशन इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको कैमरे की यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको देखिए डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा या फिर फोटो एल्बम ओपन हो जाएगा। प्लेन इमेज भी ले सकते हो, प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो। तो प्लेन इमेज के यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड कलर को कलर सेलेक्ट करना है। कलर पर जाने के बाद आप कोई भी कलर जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। तो ये कलर मैंने ले लिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद गाइस, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइज आ रहा है, तो यहाँ पर साइज पे जाने के बाद कस्टम के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे थंबनेल का साइज को सिलेक्ट करना है। तो विड्थ जो है इसको रखना है 1280, ठीक है, ये रहेगा। और ये जो हाइट है इसको रखना 720। ये है हमारी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल का साइज, इसको डन कर देना है। तो इस तरह का आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर जाने के बाद करना है यूज। तो ये देख सकते हो ये बैनर आपका यहाँ पर आ गया है बैकग्राउंड कलर। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है, फोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर जाएगा, थ्री डॉट पर जाना है, देन ऐड इमेज पे जाना है, तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है ऑल फोटोज़, और यहाँ पे आपको सारे फोटोज दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे एक ऐड है, तो इसको करता हूँ डन। अब इसको यहाँ से इस तरह से टैप करके दोस्तों इसके साइज़ को बड़ा करना है, साइज पर जानना है और इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से साइड पर एकदम ऐड कर देना है। ये मैंने फ़ोटो लगा दिया। अब यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो अपने थंबनेल पे जो लिखना है, यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश आपके कीबोर्ड पे सेटिंग होता है। तो हिंदी पे मुझे लिखना है जैसे अब हो गया, ठीक है। अब को मैंने यहाँ पे लिख करके इस तरह से लगा दिया। इसके देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएगा, देखिए फॉन्ट पे जाइएगा तो देखिए ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये है इस ऐप का खूबी, ठीक है, ये है खासियत। यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कट किया, तो अब मैंने लिख दिया अब YouTube, ठीक है। अब इंग्लिश से लिखना है YouTube, तो इस तरह से YouTube, इस तरह से YouTube लिखा गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस तरह से YouTube लिख के इसके साइज़ को बड़ा करना है, तो इसको टैप करना है, देन जाना है साइज़ के ऊपर में और इसको बड़ा कर देना है। अब मान लीजिए इसको मुझे बैकग्राउंड पर कलर लगाना है, ठीक है, तो यहाँ YouTube के स्टाइल पर जाना है। समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, देन जाने स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद टेक्स्ट का कलर को आप जो भी रख सकते हो वो दे दीजिए, ठीक है। मुझे मान लीजिए ये कलर लेना है और इसके स्ट्रोक जाना है बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे करना है मान लीजिए वाइट, ये देखिए तो सेम लगेगा यूट्यूब जैसा। तो ये देख सकते हो वाइट हो चुका है। अब देखिए कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा साइज़ को इसके ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मान लीजिए इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये देखिए अब यूट्यूब, तो इस तरह से होगा। उसके बाद आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना हो, इस तरह से जो भी लिखना हो लिख करके इसके आपको फ़ोटो पे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये रहा टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी आप जैसा मन वैसा कलर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाना है टेक्स्ट पे, तो स्टाइल, स्टाइल पे जाकर आप टेक्स्ट का कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए येलो रखना है,
तो येलो कर दिया तो येलो हो गया। तो उस तरह से दोस्तों ये देखिए थंबनेल रेडी है। मान लीजिए इस तरह से मेरा बन के रेडी हो गया, यहाँ पे जाना है एरो के ऊपर, देन यहाँ पे नीचे जाकर कर देना है सेव इमेज। तो ये थंबनेल मेरा जो है बन के रेडी हो गया है। ओके करके मैं यहाँ से थंबनेल दिखा देता हूँ अभी कैसा बना है, तो ये देख सकते हो गाइस थंबनेल रेडी। तो इस तरह से गाइज आप अपने जो है फ़ोन से थंबनेल बना सकते हो, अपने आईफोन से या फिर एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन से। तो बहुत आसान तरीका है और यहाँ से बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो मैं अभी इसी तरह से जो है अपने थंबनेल्स को बनाता हूँ, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर भी बना सकते हो। तो इस तरह से जो है मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। गाइज उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।